फैमिली जी क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग, तमाम मुसलमानों को, तमाम अहले मुस्लिम को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी आज ईद का दिन है और एक मतलब भी खुशी होती है, अल्लाह पाक हमें जो रोज़ों के बाद देते हैं और इनाम देते हैं ईद की सूरत में, ठीक है जी। तो आज बड़ी खुशी का दिन है, मुसलमानों का त्यौहार है बड़ा, ठीक है जी। तो ईद फितर है और अब हम जा रहे जी कहाँ जा रहे हैं, टोले के टोले सब के सब जा रहे हैं। बात हमारे साथ तो कहते हैं कि हम भी जा रहे हैं पाते, तो मेरा तो सिलसिला ही ऐसा, मैंने आपको बताया मेडिकल ससुराल जो है वो सेम एक ही घर में रहते हैं। तो फिर मैं कहाँ जा रही थी, मेडिकल ससुराल जा रही, वैसे मेडिकल ससुराल ही कहती हूँ। तो दोनों से आपकी मुलाकात एक ही दिन करवाऊंगी, यानी कि दोनों दो माओ से आपकी मुलाकात करवाती हूँ, हर एक महीने अपनी अम्मी से भी, अपने हस्बैंड की अम्मी से भी। तो हम लोग जी जा रहे हैं वहीं पर, तो बाकी का थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करेंगे। माशाल्लाह हमारी फैमिली बहुत बड़ी होती है, फैमिली गैदरिंग है, माशाल्लाह हम सात दिन भाई हैं, फिर आगे से हमारे एक भाइयों की बीवी हैं, बहनों के खावा हैं, उनके बच्चे माशाल्लाह 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 सब मिला के बड़े होते हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। तो वो भी बड़ी घिचमिच होने लगती है और कुछ लोग नहीं भी मतलब इनके जो भाई हैं को नहीं ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी सी बड़ी हट हट के वीडियो बनानी पड़ती है, सेलेक्टिव सी करनी पड़ती है और कोई ना कोई आया था चेहरा उसकी वजह से वीडियो कट करनी है, और बस कट करते करते वो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो आज ट्राई करेंगे कि जी कुछ लोगों को कह देंगे पहले साइड हो जाए, मैं अपनी अम्मी की जरूर बनाती हूँ, ठीक है जी। मेरी तो यादगार होती ना, तो सबसे आपको मुलाकात कराऊंगी। तो और देखिए जी मैंने कैसे बिल्कुल सिंपल सा, मैंने आपको बताया था बहुत एक्सपेंसिव सूट नहीं लिया मैंने गर्मी की मुनासिबत से ठंडा ठंडा सा ही ग्रीन कलर लिया, ढीला ढीला सा मैंने खुद इसका क्यूर और बनाया, जैसे गर्मी है उसके लिहाज से, ठीक है। ये ब्लॉग मैंने बनाया, ठीक है, और ये शर्ट बनाई बिल्कुल सिंपल, कोई लेस वगैरह नहीं रहे, क्योंकि ये बहुत चीज़ें मैं पैक की हुई कि लेस वाले इस टाइप के थ्री पीस। तो ये मैंने टू पीस सूट लिया, खुद ही इसको स्टिचिंग किया ढीला ढाला सा गर्मी के लिए, मैंने कैजुअल सा बनाया, ठीक है। तो अभी घर भी करीब है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मौसम भी चेंज है, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ईजी सा कम्फर्टेबल सा ड्रेस हो, तो फिर मैंने ऐसा ड्रेस बना लिया, ठीक है। और साथ मैंने ले लिया कोल्हापुरी पूजी थी, मैंने आपको बताया कहूँगा वो मसला चैटी का वो वाली, तो आके ये वाली पैक ये वाली मैंने नहीं ली, बहुत प्यारी लगी मुझे, तो अच्छी लगी है। टैक्स वगैरह खुद नहीं लगाइए कि वो फिर बार बार मसला पड़ता है, तो आ रहे हैं मास्क, ठीक है जी। चलते हैं बाकी लोग वहीं से कर, जलाओ जी कमर किस तरह होते नहीं, गुनाह होता है, इसीलिए तुम्हें ला दे के आने का मकसद नहीं होता कि आ जाओ, दुआ असल चीज़ होती है, आ जाओ। जाम में अच्छा जी, ये देखिए ये अब हम आ चुके हैं अपनी अम्मी के घर, ये हमारे ख़ानदान के जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह मर्द हज़रात, ये मेरे भतीजे अब्दुल्ला, हाँ जी देखिए अब्दुल्ला भी सलाम करे, और ये मेरे बड़े भिनोई हैं रिजवान भाई, रिजवान भाई रिजवान भाई ईद मुबारक कर दें, नहीं आप ईद मुबारक, हाँ जी वर देखे आपको ईद मुबारक कह रहे, और ये मेरे भाई हैं जी माशाल्लाह, ये बड़े नामी ग्रामी, चलो वो करो ना ईद मुबारक कह दो ना, अच्छा जी। और ये जी हमारे बहनों छोटे वाले हैं ईद मुबारक, इन्होंने भी कह दिया, और जी ये हमारे बच्चे हैं दोनों, ये तीनों हमारे बच्चे, ये छोटे वाले ये भाई के बच्चे, वो दोनों मेरे वाले, ये भी मेरे ही है तीनों, लेकिन वो बता रही इसलिए, अच्छा जी। और भाई मेरे अभी आए नहीं है, दो भाई अभी आए नहीं है, ठीक है जी। ये ब्लैक सूट वाले मेरे भिनोई हैं, बीच मेरे हस्बैंड हैं, साथ ही मेरे भाई हैं मुझसे छोटे, ये मेरे भिनोई हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये उनके भाई हैं, ओ ये जो क्यूट सा हैंडसम, तो माशाल्लाह पठान खस्ता, ये देखिए जी माशाल्लाह, ये जो ऊंचे लंबे मैंने आपको बताया माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने कहना है इधर देखे आर्यन, ये देखिए जी ईद मुबारक, देखा जी ये मेरे भतीजे माशाल्लाह, ये माशाल्लाह देखे मेरे ये भाई भी है ना माशाल्लाह, कितने लंबे लंबे माशाल्लाह, तो उसी तरह लंबे लंबे मेरे ये भतीजे भी माशाल्लाह, ये देखेंगे भी मेरे भतीजे, बस तो बस अब खाना वगैरह लगने लगे, आस्ते आस्ते स्टार्ट शुरू, क्योंकि माशाल्लाह मैंने बताया बड़ी फैमिली है, तो आस्ते आस्ते करते करते सब रखते हैं करते हैं, ठीक है जी। तो फिर आपको सब शेयर करेंगे, ठीक है, मर्द हज़रात की दिखा दी खवातीन के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी हमारी अम्मी का आ गया जी किचन, ये अम्मी देखें जी, अम्मी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह वही काम काज वाली हमारी माँ, और इसी तरह हम भी हैं जी, अम्मी का किचन है ये इनका सब,
अच्छा जी, अम्मी का किचन भी बड़ा अच्छा सुथरा सा ठीक है जी। ये मेरी सिस्टर्स हैं जो बना रहे हैं, खाना वगैरह बना रहे हैं, खाना वगैरह डाला जा रहा है। ये देखें जी, ये हलीम बनी है। वाह जी, मैक्रोनीस भी हैं, मैक्रोनीस अंदर जा रहे हैं क्योंकि अंदर मुझसे बन नहीं सकेगी, क्योंकि अंदर माशाल्लाह मैंने आपको बताया हम हैं माशाल्लाह बड़ी फैमिली वाले। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त, वाह ये बनाई है मेरी सिस्टर ने मैक्रोनीस। वाह वाह वाह, ये देखें जी, ये हलीम ज़बरदस्त, माशाल्लाह हम तो एक पूरी माशाल्लाह माशाल्लाह शादी वाले ही अफराद हो जाते हैं। ठीक है जी, मज़ा कर रहे हैं। ये देखें जी, हलीम के लवाजमात एक्सेसरीज कह सकते हैं ना जी। ठीक है जी, हलीम में जो कुछ डलता है आपको पता है, ये प्याज होती है, ये हरी मिर्च होती है, अदरक है, लहसुन, सब गार्निश की चीज़ें हैं जी। तो ज़बरदस्त चीज़ ज़बरदस्त। तो जी आपने व्यूवर्स को ईद मुबारक दी, कही ईद मुबारक कहते चले, मैं वैसे दिखा रही हूँ, बोल दें आप, बोल दें बीच में, नहीं बोल दें ईद मुबारक। ठीक है जी, ईद मुबारक दिखा दी है आपको, बड़ी क्यूट सी है, बहुत अच्छी आदत की है जी, क्योंकि खाने बहुत अच्छे अच्छे बनाती है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी आदत की है। ये भी मेरी गप्पो सी बहन है, ये तो बस मेरा साथ, ये तो इनका और मेरा साथ जो है ना। हाँ जी, सामने हो सामने हो। इनका मुझे लग रहा है टेलर ने जो सूट है ना थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया है। हाँ क्यों, तो वो क्यों पहना? हाँ ये भी प्यारा है, मुझे पता है, लेकिन वो वाला भी, ये भी बहुत प्यारा है, इसका तो दुपट्टे खास ज़बरदस्त है, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरी अम्मी है, ये मुझसे छोटी बहन है, ये उनसे छोटी बहन है। ठीक है जी, और हाँ लाइट याद दिला रहा अभी हमें, देखे जी लाइट में जो चीज़ नज़र आती है नज़र तो आपको वैसे भी आ रही है। ठीक है जी, तो मुझे याद ही नहीं, तो ये देखें जी, वाह तो ज़बरदस्त है जी, वाह तो देखे जी, ये हैं अम्मी, तो देखे ना अम्मी माशाल्लाह, अम्मी तो मेरी माशाल्लाह बहुत प्यारी है मेरी माँ जैसी, तो अम्मी हाथ ला दे कैमरा इधर। हाँ अम्मी यार, अम्मी क्यों यार, बड़ा मज़ा आता है, ओवर एक्टिंग में बड़ा ही मज़ा आता है, सो ओवर एक्टिंग की भी क्या बात है जी, तो ज़बरदस्त डिलीशियस। ठीक है जी, ये देखें जी, ये उम्मे फरवा की, फरवा से हाय। अच्छा देखिए, फरवा ने अभी ये ड्रेस पहना, बहुत प्यारा लग रहा है इनका, ये भी वाइट ट्राउज़र। ठीक है जी, फरवा के माशाल्लाह तीन चार ड्रेसेस बन जाते हैं, बहुत प्यारी लग रही है मेरी चांद। ठीक है जी, अभी इनके भाई सो रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं, सोते रहे और फिर बाद में भी दिखाऊंगी जी। आप भी फरिया है, ईद मुबारक कह दें। ये उम्मे फरवा व्लॉग से है, ये जी उम्मे फरवा की मदर है, ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर है जी। ठीक है जी, इन्होंने भी सलाम कर दिया, और मैं इनके छोटे बेटे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, सब जा रहे हैं उधर, ओके देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे जो है गोल गप्पू से, ये हमारे, ये देखें जी, नहीं डाल के वॉल्यूम सब डाले ना, लेमन वगैरह सब, नहीं नहीं मैं नहीं डाल, वो लेमन बेटा पास करे, लेमन पास करे पापा, नहीं नहीं ये पड़े में लेमन नहीं है, अच्छा अच्छा हम खत्म नहीं कर सकते, ये पड़े वो कर से गिरे ना, दुआ ना करे, ले लो एक ले लो यार, दे दादा दिमाग में क्लाउड अच्छा जी, देखिए रोमान के भी हम बना रहे थे, और इनको कभी एक उठा रहे थे गोद में, कभी दूसरा। रोमान बेटा टाइम क्या हुआ मेरा गुड्डा, देखिए इतना शौकीन है बच्चा वीडियो बनाने का, देखिए टाइम बताएं क्या हुआ है, देखिए मान मान, देखिए जिसका नाम मान, ये देखिए जी मेरे भाजा है उम्मे फरवा के भाई, ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वाह हेलो सगा, ये देखिए जी रोमांच है, आप जी वेस्टर्न ड्रेस पहनने लगे हैं, तो लिहाजा उन्होंने अपनी गॉगल्स लगा ली पहले से, ये देखें जी माशाल्लाह शौकीन मिजाज बच्चा, ये देखें जी जंपिंग हो रही है इनकी, वाह जी वाह उम्मे फरवा के भाई, तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से जी, ये देखिए जी ये होते हैं जी, रमज़ान के बाद जो ईद होती है ना, ईद पर नौजवान जो है ना, ये जो गाइस है जो मर्द हजरात है, ये देखिए उनकी उनकी ईद ऐसे गुजरती है। ये देखिए मेरे भतीजे माशाल्लाह, ये दादों के घर में आए हुए ईद मना रहे हैं, कैसे गहरी नींद, ये वाला तो देखिए आप कितनी गहरी नींद है इसके, तो अगर मैं नाक के अंदर ना मैं जिनके भी डालती हूँ तो ये बच्चा नहीं उठता। ये देखिए जी, और दूसरे वाले जो है उनको तो हमने उठा दिया है, तो आप भी बताइएगा कि आप घर भी ईद ऐसी मनाई जाती है जैसे कि हमारे घर बच्चे मनाते हैं। अच्छा जी, आज हमारा एक दिन बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, अपनी अम्मी के घर गए, कुछ जो थी ना वीडियोज़ वो स्किप हो गए, वही वाली बात है कि जब रश में होते हैं तो बच्चों के हाथ में सेलफोन चले जाते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सी वीडियोज़ ही गायब हो गई, तो जितनी बार रहे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी, शायद कंपाइल करूँगी, कब करती हूँ कब अपलोड करती हूँ,
मैं भी कि आज ही कर दूँ, मैं भी कल कर दूँ, ठीक है जी। बड़ा मज़ा आया ईद पे, सबके सब मिलकर इंजॉय किया करें, बहुत मज़ा आता है ईद पे मिलकर खुशियाँ बनी, ठीक है जी। मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक ओके जी, अल्लाह हाफिज़।